Daddy, do you know this is my summer vacation? Yes, I know. Do you know Bangalore is very hot? Yeah, too hot, I know. Let's go to an hill station. Okay, where? Munna! Munna? अरे किसने बताया इसको मुन्नार? चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं मुन्नार। एक हिल स्टेशन जो रोमांस या एक स्वर्ग की शुरुआत करते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बोलता है। मुन्नार भारत के जाने माने हिल स्टेशनों में से एक प्रसिद्ध नाम है। पश्चिमी घाट के कन्नन देवन हिल्स में समुद्र तल से 5,200 फीट के आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित ये चमत्कारी रिट्रीट केरल में अवश्य जाने वाले हिल स्टेशन में से एक है, और आज हमें वो वक्त प्राप्त हुआ क्वीन ऑफ हिल विजिट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं मुन्नार एक्सप्लोर विथ मी अर्पण। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल अपकमिंग मुन्नार वीडियोस। ऑलराइट, सो हमारा यात्रा शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी 6:45। अब आज का थोड़ा सा एक नया चीज़ है, क्योंकि जिस 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने टर्मिनल 2 ओपन किया था, तो हमारा फ्लाइट टर्मिनल 2 से है। तो एक अच्छा रहेगा कि वी विल गेट टू सी द टर्मिनल 2। सुना है बहुत ही अच्छा है, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे टर्मिनल 2 बेंगलोर का कैसा है। तो या अभी तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा, 1.5 hours टू 2 hours टू रीच बैंगलोर एयरपोर्ट। तो आगे की बात वहीं से शुरू करेंगे, चलिए मिलते हैं। मॉर्निंग 7:30 बट ट्रैफिक इज ऑन। चलिए पहली बार देखते हैं टर्मिनल 2 कैसा है। यस, ठीक है सर, थैंक यू। सो ये था अपना कैब। अभी हम लोग आ रहे हैं। हाँ, कोशिश करो। अरे आगे आगे, दो आ गया एक साथ। चलो एक लो। अरे आएगा। प्रेस अंकल। बढ़िया T2 टर्मिनल बनाया है, मस्त है। चारों तरफ काफ़ी चिल्ड है यहाँ पे, और अगर आप देखोगे मेरे पीछे इन लोगों ने पाथवे बनाया है, और जो बोर्डिंग पासेस है सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सेल्फ सर्विस है।
मतलब सॉफ्ट कॉपी ऑफ बोर्डिंग पास लेकर आओगे और गेट पे डालोगे, ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाएगा, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सो इट्स रियली नाइस। बहुत ही बढ़िया टर्मिनल है ये, एकदम इंटरनेशनल क्लास की तरह बनाया है। सिंगापुर में देखे थे ऐसे, बट अभी बैंगलोर में भी ऐसे बनाया है, इट्स रियली नाइस। अब देखिए मेरे पीछे कैसे दिख रहा है। चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको कैसा है। खाने पीने का साधन यहाँ पे बहुत ही है, सो बहुत सारे किचन्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको कॉन्टिनेंटल यूरोपियन जो भी चाहिए, आपको लो इंडियन हो, सब टाइप का ब्रेकफास्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो पूरा एयरपोर्ट है इसका थीम से बनाया गया है, सो थीम इज़ लाइक ओल्ड बेंगलुरु, आई शो यू कपल ऑफ ग्लिम्सेस ऑन दैट। जो अपना ये विधानसौधा का पुराना फोटो है, ये बेंगलोर क्लब का है, ये बहुत पुराना कमर्शियल स्ट्रीट, उसका फोटो दिया गया है। इस तरफ है पैरेट कैफे, से सब देख के पुराना बेंगलोर का बहुत याद आ जाता है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। वहाँ पे देखिए वो दिख रहा है ब्रिगेड, पुराना ब्रिगेड अपना। अभी तो बेंगलोर इतना एक्सपैंड हो गया कि चारों तरफ ही ब्रिगेड ही ब्रिगेड दिखता है, बट ये था अपना पुराना ब्रिगेड एक टाइम जमाने का। तो हम लोग अभी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं, तो अभी यहाँ जगह जगह पे इंफॉर्मेशन सेंटर लगा हुआ है, वहाँ पे एक बंदा भी बैठा हुआ है। सो आई आस्क्ड वन ऑफ देम एंड दे सेड दैट यू नो यू गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट यू विल फाइंड यू नो साउथ इंडियन काउंटर ओवर देयर फॉर ब्रेकफास्ट and they serve live dosa and all the stuff. So let's see, I'm here. I think this is the one. Looks like this is the one. चलिए देखते हैं, I think this is the one. तो भाई एक सजेशन है, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो घर से करके आइए, काफ़ी महंगा है यहाँ पे। दो मसाला डोसा मेरे को 770 रुपया लिया यहाँ पे, एंड यू कैन सी द एम्बियंस रियली नाइस। 350 रुपये का डोसा आ चुका है और भूख काफ़ी तेज़ लगा है, तो अभी वेट नहीं कर पाए, खाना चालू कर दिया, देखते हैं टेस्ट कैसा है। जैसे लग रहा है टेस्ट, एग्जैक्टली 350 रुपये का डोसा जैसे होता है वैसे लग रहा है, बढ़िया है, बढ़िया। सो टाइम हो रहा है 9:20 और वी आर अबाउट टू सिट नियर द डिपार्चर टर्मिनल विच इज़ D8। तो चलिए चलते हैं उधर जाके बैठते हैं। ये एयरपोर्ट जो टर्मिनल 2 है काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और चारों तरफ इसका जो डेकोरेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, इट्स रियली नाइस। यहाँ पे ATM है, सोच रहा हूँ कि पैसे उठा लेता हूँ। प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग। भाई इतना तेज बोल रहा है कि लग रहा है कि इतना तेज कोई बोलता है क्या? तो ऐसा है, 350 रुपये डोसा खाने के बाद सोचा कि थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, बट कॉफ़ी यहाँ पे 300 रुपये है, तो मुझे लगा इससे अच्छा पानी पी लेते हैं जो घर से लाया है, वो सही रहेगा। तो चलिए बस आज का हो गया, एयरपोर्ट भ्रमण हो गया, टर्मिनल 2
मोर देन एनफ। Time is 10:56 and we just boarded. Time 12:00, so we have reached Kochi. अभी हम लोग कैब बाहर वेट कर रहे हैं, तो let's see. अभी मुन्नार जाने में कितना टाइम जाएगा. As per driver, he said that it will take 3 hours. तो चलिए देखते हैं. So मुन्नार के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे प्रीपेड टैक्सी है, तो यहाँ से भी आप बुक कर सकते हो. तो चलिए आप लोगों को रेट भी दिखा देते हैं. If you have not planned, pre-book, something like that. Then definitely you can use this particular service. The airport ka andar hi hai. Don't exit from the airport. Inside the airport only you will get this particular prepaid taxi. Chaliye aapko dikhate hain abhi prices kya hai. आते सिस्टम ऐसा है कि पिलर नंबर के सामने आप खड़े रहोगे, टैक्सी आएगा और आपको पिकअप करके ले जाएगा. सिमिलर जैसे पिकअप पॉइंट रहता है वैसे ही. ओके, सो एयरपोर्ट से निकलते ही ये हमने जहाँ से हॉलीडे बुक किया था, हॉलीडे पैराडाइज, उसका पूरा आइटनरी वगैरह एक फाइल की तरह हमें दे दिया, विच इज़ रियली नाइस. इसमें स्पाइस गार्डन का एंट्री का टिकट भी दे दिया. पहले हमें बोला गया था कि ऑफिस आके लेके जाइए, बट ड्राइवर ने बोला कि यू आर कमिंग ऑलरेडी लेट, सो इट विल बी वेरी लेट इफ़ वी विजिट देयर ऑफिस. और इसमें जो आइटनरी है पूरा वो दिया गया है, कहाँ पे जाना है, पहला दिन पे क्या रहेगा, सेकंड डे पे क्या रहेगा, थर्ड डे पे क्या रहेगा, और ड्राइवर को कितना पे करना है डीजल के लिए, वो सब दिया गया है. सो इट इज़ रियली नाइस. यहाँ पर पूरा हॉलीडे डेस्टिनेशन का जो भी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा देखना है वो भी दिया गया है. So it is a complete package and I really liked the service. कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. So they have done really great job. So far I am really happy with the Paradise Holidays and their service is awesome. तो चलिए हमारा मुन्नार यात्रा शुरू हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है आपका 12:39. So we have boarded the cab. तो हमारा ड्राइवर जी का और हमारा गाइड का नाम है साहुल साहब. सो साहुल साहब विल टेक अस थ्रू द एंटायर मुन्नार एंड टेकड़ी फॉर नेक्स्ट 3 days. तो अभी हम लोग इधर से जाएंगे मुन्नार कोची से. तो ये देखिए कोची से हम शुरू किए, अभी हम जाएंगे मुन्नार. तो ये जाने के लिए 3 घंटा हो रहता है, बट ऑन द वे पे 2-3 साइट सीइंग रहेगा. सो वो देखने के बाद जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो आई एम अज्यूमिंग दैट वी विल रीच मुन्नार बाय 6 or 6:30 PM. चलिए चलते हैं, ऑन द वे पे आप लोगों को दिखाएंगे कैसा रहता है. ओके, आफ्टर आफ्टर वन चियापारा वाटरफॉल्स सेकंड वालरा वाटरफॉल्स. ओके, हाँ उसके बाद तो टी गार्डन वगैरह सब आ जाएगा. टी गार्डन है, टी गार्डन कल को आपको पूरा खत्म कर देगा. अच्छा, और वो जो रबर ट्री आता है वो रबर ट्री रास्ता में मिलता है. अच्छा, स्पाइसेस गार्डन के अंदर मिलता है, रास्ता में बहुत बड़ा प्लांटेशन मिलता है. अच्छा, ओके. तो पहला आपका पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट 2 आवर्स अभी. ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं. अभी 2 आवर्स के बाद ही बात करेंगे. यहाँ पे हर टाइप का फर्नीचर वुडन वाला आपको मिल जाएगा,
अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो यू कैन एक्चुअली टॉक टू देम, सो दे हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो दे कैन एक्चुअली पैक इट केयरफुली एंड सेंड इट टू योर डेस्टिनेशन. सो या टाइम हो रहा है अभी 2:28. सो अभी हम लोग रुके हैं एक लंच के लिए रेस्टोरेंट पे. तो रेस्टोरेंट का नाम है माउंट पार्क इन. चलिए मैं आपको मेनू दिखाता हूँ, मेनू के हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या. बाय. सो मेनू ऐसा है, अगर चाहिए तो आप स्टॉप करके देख सकते हो. और होटल का नाम है ये, चाहिए तो आप गूगल पे टैग करके देख सकते हो. ऑन द वे टू मुन्नार. तो यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों ही बैठने का जगह है. होटल काफ़ी क्लीन सा है, ठीक ठाक है, डिसेंट है, प्राइस के हिसाब से भी मॉडरेट है, नॉट दैट हाई नॉट दैट लो. फिलहाल अभी टेंशन इस बात की है कि टेस्ट कैसा रहेगा. और मेरा तो पेटेंट खाना रहता है केरला आया तो, केरला पराठा और एक करी. तो अभी खाना आ चुका है, ये है चिकन करी, केरला पराठा, ये था चिकन 65 और ये था वेज फ्राइड राइस. खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, मतलब पहली बार ऐसा देखे कि चिकन करी केरला स्टाइल में वो मेरे बेटे को पसंद आया, कमाल है. तो हमारा बिल हुआ कुछ 830 रुपया. मुन्नार विजिट करने वाले मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट ऑन द वे पे ही लंच करते हैं, इसीलिए मैंने ये होटल का रिव्यू बनाया. तो ये था माउंट पार्क इन होटल. चलिए, बहुत ही बड़ा पार्किंग है, टॉयलेट भी है, सब कुछ है, ऑल टाइप का फूड्स आर अवेलेबल, सो नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू कैन कम एंड ट्राई. सो पोस्ट लंच वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स मुन्नार. नाउ ऑन द वे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा, जो देखने का जगह रहेगा, वो होगा चियापड़ा वाटरफॉल्स. तो यहाँ से कितना दूर होगा वो? यहाँ से 7 or 8 किलोमीटर्स. तो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर्स ही है. तो उसके बाद वो देखने के बाद द वडाला वाटरफॉल्स नेक्स्ट वन. वो देखने के बाद विल गो टू द स्पाइस गार्डन. उसके बाद वी विल सी, विल गो टू अ होटल और अगर टाइम बचा तो विल सी सम अदर एक्टिविटीज. What you are seeing back of me is the Chiyapada waterfalls. So 60 feet ऊपर से ये waterfall नीचे गिर रहा है और पानी काफ़ी अभी तेज़ है. दो दिन पहले बहुत बारिश हुआ था तो इसलिए पानी का बहाव आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ है. वी आर आई वुड से दैट वी आर लकी दैट वी गॉट दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ Chiyapada waterfalls. एंड या आई फ्रॉम द बैक कैमरा आई जस्ट शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. ये देखिए वाटरफॉल ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिरने के बाद ये एक रोड है, रोड के नीचे से आके ऐसे जा रहा है. बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया, कांट एक्सप्लेन. Chiyapada वाटरफॉल से थोड़ी ही दूर में है वलाड़ा वाटरफॉल्स. दोनों वाटरफॉल्स मुन्नार कोची हाईवे पे ही आता है. टू रीच वलाड़ा वाटरफॉल्स आपको ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा. हाउएवर व्यू फ्रॉम हाईवे वाज स्पेक्टेकुलर. चलिए आगे चलते हैं मुन्नार की तरफ. तो अभी हम आए थे हॉट बैलून का सवारी करने के लिए, बट इट सीम्स दैट यू नो हवा बहुत तेज़ है इसलिए बैलून को अभी बंद करके रखा गया है. ये देखिए यहाँ पे बैलून्स वगैरह सब बंद किया हुआ है. तो ये काउंटर है मेरे पीछे, अगर आप देख सकते हो तो यही है. मैं एक ब्राउचर लेकर आपको दिखाता हूँ, कोई है नहीं काउंटर में, आई एम जस्ट ट्राइंग माय ओन. तो ये देखिए यहाँ पे
हॉट बैलून कैसे यहाँ पे चलता है। चार्जेस के बारे में पता नहीं है, कल पता करते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है। इट अपीयर्स दैट यू नो सीजन के हिसाब से जिसको जितना होगा वैसे चार्ज करेगा। तो अभी हम खड़े हैं मुन्नार के और एक अट्रैक्शन बाहर, सो यह है ड्रीम लैंड। तो अगर आप देख सकते हो कि अभी तो हमारा टाइम हो चुका है तो 6 o'clock इज़ ओवर, सो टाइम इज़ 9 to 6। जो लोग अंदर चले गए हैं दे कैन एन्जॉय इट, बट अभी तो हमारा टिकट काउंटर बंद है यहाँ पे। तो ये एक अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। नो आई डोंट सी एनीवेयर टिकट प्राइसेस मेंशन, सो आई विल जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन अगर मेरे को पता चला तो। फिलहाल कोई है भी नहीं यहाँ पे पूछने के लिए। तो बच्चे के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है, यहाँ पे 30 अट्रैक्शंस है ऐसा मेरे को बताया गया है। तो 30 अट्रैक्शंस कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट मतलब एक दिन तो आपका लग ही जाएगा। डेफिनेटली यू हैव टू प्लान इन दैट वे। सो मुन्नार का ये नया अट्रैक्शन है, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। सो वन मोर पॉइंट, ये है केरला हैंडलूम। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, देखेंगे हैंडलूम का कैसे होता है। देखने का कोई चार्जेस नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो चीज़ सामान। तो यही पॉइंट है, इस तरफ का इस रोड का लास्ट पॉइंट है, शुड बी गुड। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। तो अभी होटल का एंट्रेंस ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर है। हाँ ये है मुन्नार क्वीन का बोर्ड। मौसम भी काफ़ी तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है ये। तो चलिए अब पहुंच गए अपना होटल, होटल मुन्नार क्वीन। तो अभी आज का जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई सी यू टुमारो विथ अ न्यू डे विथ अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए चाओ।